देख रही हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी कैसे पंजाब की पार्टी बनी और उसके बाद अब गुजरात की पार्टी बनने की राह पर है। इसके अलावा हम एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के साथ में गठबंधन करने को लेकर के कितना बड़ा बयान दिया और उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अब वो इस दौरान विपक्षियों पर जिस तरीके से हमलावर हो रहे थे उससे एक तेवर तो बिल्कुल साफ था कि विपक्षियों के लिए अच्छी खबर अरविंद केजरीवाल लेकर के नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक बार फिर अपने इस दावे को दोहराया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उनके घर पर छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अभी और भी विधायक की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा है कि अभी उनकी पार्टी के कई विधायक जो है वो जेल जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैलाश गहलोत को भी ये लोग जेल भेजेंगे, कई विधायक जेल जाएंगे। अभी पार्टी विधायकों से उन्होंने कहा कि 3-4 महीने जेल जाने को तैयार रहो, जेल उतनी बुरी नहीं है, मैं भी गया था, 3-4 महीने जेल में रहने की हिम्मत जुटा लीजिए, इसके बाद ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों को उजागर करते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में एक और पुष्टि करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने विपक्षियों को लेकर के ये साफ कर दिया है कि 2024 की रणनीति जो वो तैयार कर रहे हैं या फिर गुजरात चुनाव का जो वो आगाज कर रहे हैं, इन दोनों ही चुनावों में एक बार भी वो विपक्षी दलों के साथ एकजुट नहीं होंगे। अभी तक वो यही साफ कहते हुए नजर आए हैं, जो कि विपक्षियों के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि अभी विपक्षी दलों में अगर हम नजर डालें तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो तमाम पार्टियों से मजबूत है और तमाम पार्टियों से ज्यादा यहाँ पर मजबूती तरीके से बीजेपी का सामना कर रही है। और यही वजह है कि अभी हर पार्टी यही चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी में शामिल हो जाए और उनके साथ गठबंधन करके इस चुनावी माहौल को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करे। देखना यही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के इस बयानबाजी के बाद भी क्या यहाँ पर विपक्ष इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस की अगर मजबूती की अगर हम बात कर ले तो देखिए कांग्रेस इन दिनों काफी ज्यादा जो है कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का अब चुनावी माहौल पर कोई भी ध्यान नहीं है, वो अपने अंतरकलह मिटाने में ही जुटी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस की अंतरकलह मिटने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस आखिरकार कब इस मुद्दे पर जो है हावी हो करके यहाँ मजबूती दिखाएगी उसका किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष के तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल का साथ कभी नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल से बैर रखा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के नेता का समर्थन किया, बावजूद इसके देखा यही गया कि उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए दिखाई नहीं दी। पूरी आप पार्टी को घेरने का काम कांग्रेस ने किया, सड़कों पर उतरी, वही वजह रही कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ में अरविंद केजरीवाल तो किसी भी चुनाव में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो देखिये गुजरात का चुनाव इस वक्त बेहद अहम है, जो वोट संख्या यहाँ पर बटे हुए नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस खेमे में जाएंगे और एक तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खेमे में जाएंगे। आप पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों के गठबंधन ना होने का फायदा जरूर यहाँ बीजेपी को पहुंचेगा। तो यहाँ ये मान सकते हैं कि अगर टुकड़ों में बटी हुई ये दो विपक्षी पार्टियां अगर इसी तरीके से अलग थलग रही तो बीच में बीजेपी जो है वो अपना खेला करते हुए जाएगी और बीजेपी इस पूरे मामले में अपने इस मुद्दे का जरूर ध्यान रखेगी
रखेगी और इस खासा ध्यान को रखते हुए वो ये तो जरूर साफ कर देगी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच में वो अपना दमखम दूसरी पार्टियों के साथ मिला करके पार्टी बना लेगी। देखिए अरविंद केजरीवाल कोशिश बहुत कर रहे हैं गुजरात चुनाव जीतने की, अगर वो जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री पद पर फिर पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वो जिस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं अगर वो उसी हिसाब से चलते रहे तो देखिए गुजरात का चुनाव जरूर निकल जाएगा लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें वहाँ पीएम पद के लिए जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एक और यहाँ पर अगर हम आपको अपडेट्स देते चले तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ चुनावी माहौल है वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर नजर आ रही है। अगर हम संजय सिंह की ही बात कर ले तो देखिए संजय सिंह भी अब तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बहुत बड़े नेता है वो, बावजूद इसके वो यहाँ पर विपक्षों को लताड़ते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि विपक्षों सहित यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर के वो बयानबाजी करते रहते हैं और आपको चलिए एक वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो के जरिए आप समझिए कि संजय सिंह और आप पार्टी की तरफ से आखिरकार क्या परिकल्पना बनी है यहाँ पर बीजेपी के लिए कि बीजेपी का जो यहाँ पर प्लान है उसको आखिरकार कैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी फेल कर रही है, समझने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किडनैपिंग गैंग चला रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है, लेकिन मुझे फक्र है कि उस ऑपरेशन लोटस को दिल्ली और पंजाब के विधायकों ने ऑपरेशन बोगस बनाने का काम किया। ऑपरेशन बोगस जो प्रयोग शिंदे के ऊपर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, दिल्ली में सिसोदिया ने उस प्रयोग को फेल कर दिया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम बिकने और टूटने वाले लोग नहीं हैं। साथियों और दोस्तों, कहीं 20 करोड़ का ऑफर, कहीं ईडी की धमकी, कहीं सीबीआई की धमकी, अलग अलग राज्यों में विधायकों को तोड़ने का एक लंबा सिलसिला चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई और जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने इनको नंगा करके सबके सामने रख दिया कि ये है इनका असली चेहरा। हमारे विधायक खुद पहुंच गए सीबीआई दफ्तर पे और उन्होंने कहा हमारे साथ खरीद फरोख्त का ऑपरेशन लोटस का धंधा जो चलाया जा रहा है, ये किडनैपिंग गैंग जो चलाई जा रही है, इसको रोका जाए और सीबीआई बीजेपी के नेताओं को पकड़ के जेल में डाले। तो देखा आपने कि संजय सिंह जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और उनकी तेवर बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर के उन्होंने ये तय कर लिया है कि चुनावी माहौल के बीच में वो अब बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं और ऐसा चलता रहा तो एक समय जरूर आएगा कि बीजेपी को लेकर के जहां तमाम राज्यों में वो अपनी सरकारें तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं वहीं पर बीजेपी को यहां पर तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी के रूप में देखा जा रहा है लेकिन वो किसी विपक्ष के साथ जाने को तैयार नहीं है। तमाम विपक्ष चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके साथ अलायंस करके चले ताकि उसका फायदा उन्हें भी मिले, बावजूद इसके यहाँ पर किसी को भी फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी जो रणनीति तैयार कर रही है और उसके तहत विपक्षों के साथ जो दूरी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, क्या इस दूरी के तहत वो आगे का चुनाव जीत पाएंगे या फिर उन्हें गठबंधन करने की जरूरत है और वो इस पर विचार विमर्श नहीं कर रहे? आप अपने तर्क हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBI9 न्यूज़।